तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पर माइक सेटिंग के ऊपर, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास डायमंड क्लब का 16.2 EFX, जो कि इसमें यहाँ पर माइक और लाइन का ऑप्शन दिया जाता है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो EFX, ऑक्स और ऑक्स टू, पेन, यहाँ पर फेडर आपका मेन, और यहाँ पर मास्टर वॉल्यूम दिया गया है। तो सारा चीज़ हम यहाँ पर जानेंगे। इसमें DD3 भी दिया गया है, जिसे कि आप यहाँ पर देखेंगे डिले सेटिंग, यहाँ पर डिले 1, डिले 2, और यहाँ पर डिले दिया गया है। फीडबैक यहाँ पर है और यहाँ पर डिले का ऑप्शन दिया गया है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस मिक्सर का अनबॉक्सिंग और प्राइस और रिव्यू अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से आप चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलिए हम जान लेते हैं इसका कुछ बेसिक सेटिंग और यहाँ पर हम माइक को सेट कैसे करेंगे। तो सारा चीज़ हम यहाँ पर जानने वाले हैं इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक जरूर देखते रहिएगा और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर सारा चीज़ मैंने सेटअप कर लिया है, तो चलिए फटाफट से हम यहाँ पर मिक्सर और सारा चीज़ को ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ पर से हम करेंगे पावर ऑन, और यहाँ पर हमने लगा रखा है वायरलेस माइक्रोफोन जो कि राइडर की तरफ से आता है, और यहाँ पर हम इसको ऑन कर लेते हैं मिक्सर को। सो मिक्सर भी हमारा पावर ऑन हो चुका है, और यहाँ पर सारा चीज़ है वॉल्यूम डाउन, और यहाँ भी वॉल्यूम डाउन है, और इसको एम्पलीफायर भी ऑन हो चुका है। तो एम्पलीफायर से हम दे देते हैं आधा वॉल्यूम से थोड़ा सा ज़्यादा दे देते हैं, और ये माइक का कोई काम नहीं है। सो हमारे पास है राइडर का ये माइक्रोफोन, और हमने लगा रखा है यहाँ पर 12 इंची के डुअल बॉक्स, जो कि 200 वाट की स्पीकर उसमें लगे हुए हैं, और पीछे के कनेक्शन भी आपको दिखा देता हूँ मैं। सो पीछे का कनेक्शन कुछ इस प्रकार से किया गया है, जैसे कि आप यहाँ पर लाइन इन जो कि एम्पलीफायर में दिया गया है, कॉमन 4 ओम्स में कनेक्ट है, और ये गया है यहाँ पर एम्पलीफायर में, ये आता है यहाँ पर आप देखेंगे माइक का ऑप्शन है। सो यहाँ पर हमने इनपुट किया है, और ये आपका पावर प्लग का यहाँ पर आपका मिल जाता है। तो सारे चीज़ यहाँ पर ओके है, और अब हम कर लेते हैं माइक को ऑन। तो माइक ऑन हो चुका है, और यहाँ से हम कुछ बेसिक सेटिंग करेंगे, जो कि आप यहाँ पर देखेंगे पूरा गेन से लेकर के सारा चीज़ यहाँ पर आप देखेंगे। तो इसका हम करेंगे कैसे, सिंपल, तो यहाँ पर इसको हम 0 में कर देते हैं, हालांकि यहाँ पर लेफ्ट में है, तो हम इसे अपने अकॉर्डिंग लेफ्ट या फिर राइट में सेट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर दोनों इनपुट यूज़ कर रहे हैं और अलग अलग एम्पलीफायर यूज़ कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर अलग अलग एम्पलीफायर में अगर देना चाहें, लेफ्ट में देना चाहें तो लेफ्ट में दे सकते हैं, राइट में देना चाहते हैं राइट में, और दोनों में देना चाहेंगे तो हम इसको बीचों बीच में रखेंगे। तो फिलहाल हमारा ऑक्स का काम 2 का बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर डिले DD3 यहाँ पर अलग से यूज़ नहीं कर रहे हैं। सो यहाँ पर हम इसको यूज़ करेंगे EFX के लिए, जो कि इको के लिए। सो ये हमारा काम करेगा अभी फ़िलहाल, और हमें अगर इसको इको में चलाना है इस मिक्सर को, तो हमें यहाँ पर ये वाला स्विच जो है आप देखेंगे EFX ऑन, जो आप यहाँ पर देखेंगे अभी ऑफ हो गया है, अभी ऑन हो गया है, तो अभी ये इको में काम करेगा, मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए अब इसको हम थोड़ा सा स्टार्ट करके देख लेते हैं हमारा साउंड जो है वो कैसा आ जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे माइक, तो माइक को अब हम यहाँ पर ऑन कर लिए हैं, तो हमने यहाँ पर माइक ऑन कर लिया है, और यहाँ से हम यहाँ पर देखेंगे गेन। तो थोड़ा सा गेन को हम यहाँ पर अप कर लेते हैं, और ये है हमारा लेफ्ट का यहाँ पर आप देखेंगे मास्टर, इसको 0 dB में ले लेते हैं, और यहाँ पर हमारा 16 चैनल का फेडर, तो इसको हम बढ़ाएंगे और देखते हैं साउंड कैसा आता है। हेलो 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 जी हेलो हेलो जी हेलो जी हेलो 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 जी हेलो। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे इसमें इको का इफेक्ट कैसे आता है इस मिक्सर में। सो अगर हमें इस मिक्सर में इफेक्ट्स अगर यूज़ करना है, EFX यूज़ करना है, जैसे कि हम इसको इको बोलेंगे, अगर हम इसे इको में यूज़ करना चाहें, तो हम यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर EFX ऑन लिखा गया है, तो यहाँ पर इसको हम ऑन करेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर मैं बेसिक सेटिंग आपको बताता हूँ, सीधा आपको यहाँ पर लगभग 8 पॉइंट में कर देना है, और इसको भी लगभग 7-8 पॉइंट में इसको कर देना है। तो सिंपल, और यहाँ पर डिले 1 दिया गया है, डिले 2 और डिले दिया गया है, तो हम इसको डिले 1 में रखेंगे, जिससे कि हमें काफ़ी अच्छा साउंड मिल सके। और यहाँ पर है ऑक्स 1, सो इसको मैं यहाँ पर 0 में, यहाँ पर मतलब 5 पॉइंट में इसको सेट कर लेता हूँ। और यहाँ पर आप देखेंगे तो EFX का यहाँ पर आपको एक मेन फेडर दिया गया है, तो इसको मैं आपको बढ़ाता हूँ अब
साउंड वॉल्यूम में देखिएगा कि यहाँ पर परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। तो आप जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे तो साउंड जो है थोड़ा सा चेंज हो चुका है और इसमें आपको इको और फीडबैक काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। तो आप जैसा साउंड जो है आप चेक करना चाहें आप चेक कर सकते हैं। सो यहाँ पर ज़्यादा यहाँ पर इको हो चुका है, तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपको इको आपको देखने को मिल जाता है। तो साउंड थोड़ा सा और ज़्यादा मैं आपको कर देता हूँ। हेलो हेलो जी हेलो। सो यहाँ पर हम इसको और थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं और अगर यहाँ पर आप देखेंगे डिले 2 दिया गया है, अगर इसमें हम करते हैं तो आपको इफेक्ट किस टाइप से मिलने वाला है वो आप देख सकते हैं। हेलो 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 हेलो। अभी यहाँ पर आप देखेंगे ई डिले में यहाँ पर है, आप देखेंगे तो आपको ई डिले में कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर आवाज़ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर डिले 1 में काफ़ी अच्छा आपको मिलने वाला है, तो डिले 1 में ही आप रखें। और यहाँ पर HF है, अगर हम HF बढ़ाना चाहें तो HF भी बढ़ा सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा साउंड जो है थोड़ा सा आपका हाई फ्रिक्वेंसी ज़्यादा देने लगा है। और अगर हम मिड बढ़ाना चाहें तो मिड भी बढ़ा सकते हैं, जो कि तीखी आवाज़ के लिए यहाँ पर आपको काम करने वाला है मिड फ्रिक्वेंसी। और ये हमारा बेस, जो कि अगर हम बेस बढ़ाना चाहें तो बेस भी बढ़ा सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। सो अगर आप यहाँ पर बेस बढ़ाना चाहें तो बेस भी यहाँ पर लो फ्रिक्वेंसी का ऑप्शन है। सो जैसे आप यहाँ पर साउंड है आप सेट करना चाहें वो कर सकते हैं। सो अभी फिलहाल 0 dB में सेट है और ये भी लगभग 5 में है। और ये हमारा मेन फेडर आप देखेंगे ये वाला, जो कि EFX के लिए है। सो EFX के लिए है तो ये भी आपका 0 dB में है और कुछ इस प्रकार से आपको साउंड देखने को मिल जाता है। और अगर हम यहाँ पर चाहें तो इसको अगर हम इसको DD3 के साथ यूज़ करना चाहें तो हमें ऑक्स एंड और यहाँ पर ऑक्स रिटर्न में लगाना पड़ेगा और देन ये आपको काम, ये जो आप EFX ऑन है इसको बंद कर देना है और देन यहाँ पर ऑक्स और ऑक्स 2 यहाँ पर आपका काम करेगा अगर आप दोनों में लगाना चाहते हैं तो। तो जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर आपको म्यूट का ऑप्शन मिलता है, तो अगर हम इसको म्यूट कर देते हैं तो हमारा चैनल जो है वो बंद हो जाएगा। हेलो हेलो। तो जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे अभी ये आपका जो म्यूट हो चुका है तो ये चैनल आपका बंद हो जाता है। तो यहाँ पर फिर से मैंने आपको म्यूट का ऑप्शन हटा दिया है। सो यहाँ पर चैनल जो है वर्क करना स्टार्ट हो चुका है, तो मैं यहाँ पर इको को जो है थोड़ा कम कर देता हूँ। सो आप यहाँ पर देखेंगे कुछ इस प्रकार से आपको साउंड देखने को मिल जाता है, कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। सो ओवरऑल मैंने आपको बताया कुछ बेसिक सेटिंग। तो वीडियो कैसा लगा वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल में है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को सेट कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।